बीसीएल में खेलने वाले तमाम जितने भी प्लेयर है उसको बैन करेगी बीसीसीआई। क्या बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का फंड जो रिलीजिंग है उसको रोक दिया है? क्या बीसीसीआई अब किसी भी तरीके से बीसीए का सपोर्ट नहीं कर रही है? ये तमाम तरीके के सवाल हमारे सामने हैं। क्या होगा उनका जो बीसीएल खेलकर उत्साहित हैं? क्या होगा उनका जो बीसीएल देखकर उत्साहित हैं? बिहार क्रिकेट बोर्ड को मान्यता मिलने के बाद कहा यह जा रहा था कि बिहार में बच्चों का भविष्य जो है वो अब काफी उज्ज्वल हो जाएगा, तो क्या होगा? क्या आपसी रंजिश यानी क्या अधिकारी गढ़ के आपसी भिड़ंत की वजह से बच्चों को बलिदान देना पड़ेगा? क्या विपिन सौरभ 1-3 साल के लिए बैन कर दिए जाएंगे? विपिन सौरभ के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती की घड़ी होगी। क्या होगा उनका जिन बच्चों के भविष्य को लेकर जिनके माता पिता इतने इच्छुक हैं और उन्हें आगे लाकर इतने बड़े फॉर्मेट पर खेलने के लायक बनाती हैं? फिलहाल ये तमाम तरीके के सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे बीसीए के पूर्व सेलेक्टर और मोहम्मद कैफ के साथ कभी क्रिकेट खेल चुके फरहान अंसारी। बच्चों का भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन बीसीए को बीसीसीआई का रूल रेगुलेशन लेकर इसमें काम करना चाहिए था, लेकिन बीसीसीआई से ये लोग मान्यता नहीं मिला है। इसके बाद भी ये लोग अपना बीसीएल जारी कराते, उसके बाद बीसीसीआई का लेटर भी आया था, उसके बाद भी ये लोग अपना बीसीएल करा रहे थे। बच्चों का भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन जहाँ तक बीसीसीआई के आदेश का पालन करना है इन लोगों ने नहीं किया है। इसके चलते बीसीसीआई ने इन लोगों का फंड भी अभी रोका हुआ है और बीसीए को अभी बैन लगाने पर विचार कर रही है। अंसारी साहब, लगातार हमारी कवरेज वहां से जारी रही, अगर बीसीए के किसी एक अधिकारी के साथ जब भी हमारी मुलाकात होती थी हम यही सवाल करते थे कि क्या बीसीसीआई के गाइडलाइन के अनुसार यह मैच कराए जा रहे हैं? तमाम तरीके के सवालों पर सिर्फ ये था कि बीसीसीआई के निर्देशानुसार ही कराया जा रहा है। नहीं, बीसीसीआई का 23 तारीख को निर्देश आया था कि आप लोग बीसीएल को रोक दीजिए, लेकिन आदेश आने के बाद भी इन लोगों ने 26 मार्च तक अपना मैच कराया है। इससे बीसीसीआई बहुत सख्त नाराज है और इस पर बीसीए पर आगे बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। तो फरहान भाई, आप एक चीफ सेलेक्टर रहे हैं, इसी सवाल के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। खास मेरा मन जो मेन मकसद है वो यही रहा है, अगर बीसीसीआई एक तरफ मना कर रही है, दूसरी तरफ बीसीए जो है वो आयोजन करवा रहा है, बीसीसीआई ने एक गाइडलाइन में जो नोटिफिकेशन है जो आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो नोटिफिकेशन है जिसमें बीसीसीआई साफ तौर पर कह रही है कि अगर बिना आप किसी अप्रूव्ड मैचेस में खेलते हैं, एम्पायरिंग कराते हैं, तो ये अधिकारीगण है ऐसे तमाम लोगों को बैन कर देगा बीसीसीआई जो अप्रूव्ड मैचेज नहीं है अगर वैसे में आप पार्टिसिपेट करते हैं। अगर बीसीसीआई के द्वारा ये मैच नहीं कराए गए हैं, उससे अप्रूवल नहीं लिया गया है, तो ये जितने 110 प्लेयरों का ऑप्शन हुआ, 110 खेले हैं, बीसीसीआई ने साफ साफ लिखा है कि हम बैन कर देंगे। इन लोगों का भविष्य अब बीसीसीआई ही बचा सकती है। इन लोगों को पहले सोचना चाहिए था बीसीए के अधिकारियों को कि बच्चों का भविष्य क्या होगा आगे के लिए। हम तो यही कहेंगे कि बच्चों का भविष्य इसमें न खराब हो, बाकी अधिकारी लोग अपना समझें कि क्या होगा, क्या होगा आगे। लेकिन अधिकारी तो एक तरफ तो लूट खसोट की बातें भी सामने आ रही है। जी जी, इसमें केवल वही हाल है, सचिव को कोई लोग मान ही नहीं रहे हैं, ये लोग अपना केवल काम मनमाना काम कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बहुत ही अंधकारमय लग रहा है। बीसीसीआई जो निर्देश जारी की है, बीसीसीआई ने साफ साफ लिखा है कि हम बैन कर देंगे अगर मान लीजिए 3-5 साल के लिए बैन हो जाते हैं बीसीएल के फॉर्मेट से, विपिन सौरभ जैसे बल्लेबाज निकल कर सामने आए, क्या होगा उसका? उस लड़के का तो भविष्य और खराब हो जाएगा, इतना अच्छा प्लेयर है जो बिहार में अभी सबसे ज्यादा उभरता हुआ खिलाड़ी निकला है विपिन सौरभ। हम चाहते हैं कि बीसीसीआई बच्चों पर कार्रवाई न करे। तो आपका मतलब यह है कि एक तरफ जो बीसीए के अध्यक्ष हैं और जो बीसीए के सचिव हैं, इन दोनों के बीच आपसी रंजिश में 110 बच्चों के भविष्य अंधकार में है। इन लोगों के आपसी रंजिश में पूरे बिहार का क्रिकेट बर्बाद हो रहा है। हर जिले में दो दो कमिटियां रन कर रही हैं, आधे बच्चे जो सेक्रेटरी के तरफ हैं वो डिस्ट्रिक्ट का मैच नहीं खेल पा रहे हैं, अध्यक्ष के जो अध्यक्ष जिसको अपना मान रहे हैं उनको आदेश दे रहे हैं, उनके बच्चे खेल रहे हैं। लड़ाई भी यहीं से शुरुआत हुई, शुरुआत है यहीं से हो रहा है कि जिस जिस जिले में अध्यक्ष के लोग हैं उन्हीं लोग के प्लेयर हर टूर्नामेंट खेल रहे हैं। उनका क्या होगा, जो उस फंड का क्या होगा जो बीसीसीआई लगातार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रिलीज करती रही है? फंड का ये लोग को जवाब देना है, इसी से बीसीसीआई अभी पूरा फंड रोक दिया ये लोग का आपसी रंजिश में, कि अभी जब तक ये लोग का मामला क्लियर नहीं होगा बीसीसीआई एक भी फंड देने नहीं जा रही है।
बीसीसीआई एक तरफ फंड नहीं दे रही है, दूसरी तरफ नोटिस पर नोटिस जारी कर रही है। अब 110 बच्चों का ऑक्शन जिनका हुआ है उनको बैन होना लगभग तय है, बच्चों का भविष्य अभी खतरे में लग रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि बच्चों पर बीसीसीआई कोई कार्रवाई ना करे, बाकी जो अधिकारी हैं अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करे जो जो ऐसा कांड कर रहे हैं। क्योंकि आप ये नहीं मानते कि बच्चों की इसमें गलती है? जी नहीं, बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों तो चाहेंगे कि जितना हमको मैच मिले, बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले, हम खेलें, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। इसमें अधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आपसी रंजिश को भुला कर बिहार को आगे ले जाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस बीसीएल को लेकर आप लगातार सराह रहे थे, जिस बीसीएल को लेकर आप में उत्सुकताएं थी, बिहार प्रदेश जो है वो कैसे क्रिकेट में इतने दिनों से पीछे रह गया है वो अब धीरे धीरे खुलासा होने वाला है। इससे भी बड़ा खुलासा हम करेंगे। सबसे अहम बात तो यह है कि आखिरकार बीसीसीआई जिस फंड को लगातार रिलीज करती रही है उस फंड को भी अब रोक दी है, यानी मान्यता मिलने के बाद जो पैसे बीसीसीआई की तरफ से खर्च करने को भी बीसीए को मिल रहे थे उसको भी रोक दिया है। यह भी सवाल लगातार हम अपने कवरेज के दौरान आपके समक्ष रखते रहे हैं लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। हकीकत तो यह है कि जिस दिन हम आधिकारिक तौर पर यह ऐलान करेंगे कि बीसीसीआई ने बीसीए को जो फंड रिलीज कर रही थी उसे क्यों रोका है, तब आपको शायद भी यकीन हो जाए। आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए कि बिहार में बिहार का की जो भविष्य है, जो बिहार के बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, क्रिकेट में खास तौर पर हम आगे कैसे उन्हें लेकर आ सकते हैं, क्या यह आपसी रंजिश कितने ऐसे बच्चों की बलिदानी चढ़ाती रहेगी। अब सोचिए विपिन सौरभ का क्या होगा, अब सोचिए उस गेंदबाज का क्या होगा जो मैन ऑफ द सीरीज बना, आप सोचिए उस प्लेयर का क्या होगा जो लगातार ऑक्शन करने के बाद इतने बड़े फॉर्मेट पर 26 देशों में अपने कारनामे को, अपने हुनर को दिखा चुका है। ये तमाम सवाल उन लड़कों के साथ है। अब सोचिए वो घर में बैठकर जरा कैसे सोच रहे होंगे, कैसे विलाप लगा रहे होंगे, क्या होगा वो हम आगे आपको बताएंगे क्योंकि हमारे साथ इससे भी बड़ा खुलासा होने वाला है, हम जरूर वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि बीसीएल से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर हम आप तक परोसते रहेंगे। बहुत जल्द हमारे साथ राकेश तिवारी यानी बीसीए क्रिकेट जो एसोसिएशन है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष भी जुड़ने वाले हैं और वो बताएंगे कि उनके तरफ से जो दावेदारी पेश की जा रही है वो कागजी तौर पर कितना मजबूत है। साथ ही साथ बीसीए के जो सचिव हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी पेश करेंगे, वो भी बताएंगे कि कितनी दावेदारी उनके तरफ से मजबूत है। कोई कह रहा है अध्यक्ष को हटा दिया गया, कोई कह रहा है सचिव को, आखिरकार माजरा क्या है? क्या ऐसे ही बच्चों की हम बलिदानी चढ़ाते रहेंगे? जरा आप भी सोचिए अपने घर में बैठकर। नमस्कार।